Hello cuties, welcome back to my channel Filmy Fan Fiction। और आज मैं आप सबके पास हमारे वांगशान फैन फिक्शन थॉटफुल इडियट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था हमारा बेचारा वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान था। वांगजी के फादर ने उसके लिए बहुत सारा काम भिजवा दिया था और अब उसे ये सारा काम ख़त्म करना पड़ेगा। उसे विंग से मिलना अब पॉसिबल नहीं था। वांगजी गुस्से में तिल मिलाया हुआ था और दूसरी ओर लैन चिरैन कुछ सोच रहे थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, पर हाँ उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ओके। तो अब फाइनली बढ़ ही जाते हैं आगे। सबसे पहले चलेंगे हमारे विंग के कमरे में। वो बेचारा अभी भी बैठकर बहुत कुछ सोच रहा था। वो सोच रहा था कि वो स्टूपिड वांगजी वो बार बार उसे किस क्यों करता रहता है, बात बात पे उसे बुली करता है, ऊपर से अपना वो इतना कीमती इतना एक्सपेंसिव रिंग उसकी उंगली में डाल रखा है, कहीं उसे जेल वो भिजवाएगा नहीं। ये सोच सोच कर हमारा लिटिल बनी परेशान हो रहा था। विंग को बहुत टेंशन हो रहा था, कहीं वांगजी ने उसे जेल भिजवा दिया तो उसे छुड़ाएगा कौन। आंट यू के पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि उसे जेल से छुड़ा सके। बिजनेस भी काफ़ी लॉस में जा रहा है, अगर वो जेल चला गया तो क्या होगा। ये सब सोच सोच के हमारा बेचारा बनी बहुत परेशान हो रहा था। और फिर वो डिसाइड करता है कि अब वो वांगजी से पंगा नहीं लेगा। अगर वांगजी से पंगा लिया और उसने सच में उसे जेल भिजवा दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसका करियर भी ख़त्म हो सकता है। ये सब सोचकर अब फाइनली विंग डिसाइड करता है कि अब वो वांगजी को बुली नहीं करेगा। और जो उसने कॉफ़ी बनाकर उसका मुंह जला दिया था, अब वो ऐसा भी नहीं करेगा। जब तक वांगजी गुड बिहेव करेगा वो भी गुड बिहेव ही रखेगा। लेकिन अगर उस वांगजी ने फिर से उसे किस किया तो इस बार इस वांगजी के साथ बहुत ही बुरा होगा, बहुत ज़्यादा बुरा, इतना कि वो इडियट सोच भी नहीं सकता। विंग से पंगा लेना भारी पड़ेगा। सोच सोच कर हमारा बनी पूरा आइसक्रीम ख़त्म कर देता है और फिर फाइनली बॉक्स रख के वो नीचे आता है। मैडम लैन वहाँ पर विंग का इंतज़ार कर रही थी। फाइनली विंग नीचे आया तो विंग की वांगजी की मदर कहती है, विंग यहाँ आओ, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स चले गए, तुम कहाँ थे। विंग कहता है, वो मैं अपने कमरे में था, आइसक्रीम खा रहा था। और फिर मैडम लैन कहती है, अच्छा तुम्हें नीचे बैठकर खाना चाहिए था, सब लोग तुमसे मिले बगैर चले गए, उन्हें देर हो रही थी ना। और फिर विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद सबको कॉल कर दूंगा, वैसे भी हमारे फ़ोन में दिन में ना हो तो कम से कम 7 बार तो बात हो ही जाती है, ऊपर से कॉलेज में भी मिलते हैं, कोई बात नहीं। और फिर वांगजी की मदर कहती है, बैठो यहाँ। और फिर उसके साथ बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। फिर फाइनली मैडम लैन कहती है, चलो हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। फिर विंग कहता है, मेरे पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं हैं इसीलिए मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैडम लैन कहती है, क्या मैंने कहा कि तुम्हारे पैसों की ज़रूरत है, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊँगी। विंग साफ साफ मना कर देता है और फिर सॉरी कहकर ऊपर चला जाता है। मैडम लैन स्माइल करती है और कहती है, ये बच्चा तो बहुत समझदार है पर थोड़ा स्टूपिड भी है, कहकर स्माइल करके वो कमरे में चली गई। दूसरी ओर वांगजी, उसका काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, उसके दिमाग से तो जैसे धुआं निकल रहा था, दोनों कान लाल हो गए थे, नाक भी लाल हो गया था गुस्से में। और इतना सारा काम फाइनली ख़त्म करने के बाद अब वांगजी बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहा था। इतने में ही असिस्टेंट आकर कहता है कि उसका अभी एक मीटिंग के लिए जाना है। ये सुनकर तो वांगजी कहता है, अभी के अभी मीटिंग कैंसिल करो वरना मैं तुम्हारी जॉब कैंसिल कर दूंगा। ये सुनकर बेचारा असिस्टेंट तो घबरा ही गया, उसने जल्दी जल्दी वो कॉल किया और मीटिंग कैंसिल करवा दिया। दूसरी ओर वांगजी इतना थक गया था कि अब विंग के पास जाने का बस उसने हिम्मत ही नहीं था,
क्योंकि विंग उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है और उसके साथ हमेशा ज़बरदस्ती और रूडली ही बात करना पड़ता है। इसीलिए अब वांग जी जस्ट सो जाना चाहता था, बेचारा बहुत थक गया। फिर फाइनली वो जब सोने ही वाला था तो उतने में ही वो देखता है कि विंग गार्डन में है। वांग जी उठकर खिड़की के पास जाता है और विंग को ताड़ने लगता है। विंग खिड़की के बाहर ही था, वो फ्लावर के साथ खेल रहा था और फिर आसपास उड़ती तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। विंग गार्डन में बहुत मस्ती कर रहा था। विंग को देखकर वांग जी की थकान तो जैसे दूर ही हो गई। वांग जी बाहर आया विंग के पास। विंग मुंह बनाते हुए दूसरी ओर जाने ही वाला था कि इतने में ही विंग को याद आता है कि अब वो वांग जी से पंगा नहीं ले सकता। इसलिए वो दोबारा मुड़ता और कहता है, क्या हुआ गगा, कुछ चाहिए क्या? वांग जी तो इरिटेट हो गया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना मुझे गगा मत कहो, स्टूपिड बॉय। मैं स्टूपिड नहीं, तुम इडियट हो, गगा लिखते हो तो गगा बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं हूँ तुम्हारा गगा, कौन से जन्म से हूँ इडियट। और फिर विंग कहता है, ए मुझसे पंगा मत लो। अच्छा क्या कर लोगे तुम? वैसे मैं चाहूँ तो पुलिस बुला सकता हूँ, पता है तुम्हारे पास तो अपनी इनोसेंस का कोई सबूत ही नहीं है। मैं पुलिस को बताऊँगा कि तुमने मेरी रिंग चुरा कर पहन ली तो कैसा रहेगा? विंग सोच रहा था कि अरे ये तो वही बोल रहा है जिसका मुझे डर था, अब क्या होगा, ये रिंग तो मेरी फिंगर से निकल भी नहीं रहा, अब मैं क्या करूँगा। और फिर वांग जी विंग की एक पिक्चर जल्दी जल्दी क्लिक कर लेता है और कहता है, ये देखो मेरी रिंग के साथ तुम्हारी इमेज अब मेरे फ़ोन में सेफ है, अगर मैंने पुलिस बुलाया तो ये प्रूफ के तौर पर दिखा दूँगा और कहूँगा तुमने मेरी रिंग ले ली मुझे बिना पूछे, कैसा रहेगा विंग? विंग कहता है, यू स्टूपिड बॉय, तुम मेरे जैसे एक इनोसेंट ओमेगा को बुली कर रहे हो? हाँ मैं कर रहा हूँ, क्या कर लोगे तुम? फिर विंग कहता है, तुम मुझसे पंगा मत लो। वांग जी कहता है, वो तो मैंने ले लिया, वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए। फिर वांग जी विंग के पास आता है और उसके चिक पे एक छोटा सा किस करके कहता है, तो अब मेरे लिटिल ओमेगा को मेरी हर बात मानना होगा वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फिर विंग कहता है, तुम बहुत बुरे हो, एक लिटिल ओमेगा को बुली करने का ना पनिशमेंट मिलेगा, गॉड तुम्हें बहुत पनिश करेंगे। फिर वांग जी मुस्कुरा कर कहता है, ओके कोई बात नहीं, तो अब तुम जाओ और मेरे लिए अच्छी कॉफ़ी बनाकर मेरे लैप में बैठकर मुझे पिलाओ, वो भी भूख मार मार के, समझे, वरना तुम्हें तो पता ही है मैं क्या करूँगा। ये सब सुनकर विंग तो मुंह फुला लेता है और चुपचाप किचन में आता है, उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। वांग जी अब हमारे विंग को बुली करने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा था। विंग मुंह फुलाकर कॉफ़ी बनाने लगता है, लेकिन इतने में ही उसके ब्रेन में एक झक्कास आइडिया आ गया और फिर हमारा लिटिल बनी एक स्मर्क करता है और कहता है, यू स्टूपिड अल्फा, तुमने क्या सोचा है, तुम विंग को बुली करोगे? विंग को बुली करने के लिए ना तुम्हें दो बार मर के चार बार पैदा होना पड़ेगा, कहकर हमारा लिटिल बनी कुछ करता है। वैसे हमने अभी ये नहीं देखा कि उसने क्या किया, क्योंकि हम आ गए हमारे वांग जी के पास। वांग जी विंग का वो क्यूट सा इमेज, वो क्यूट सा पिक्चर देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था और वो अपने ऑफिस में बैठ गया। वो सोच रहा था कि कब ये लिटिल बनी आएगा उसकी लैब में बैठेगा। और वांग जी अपने लिटिल बनी को घूरते हुए उसे किस करते हुए बड़े प्यार से कॉफ़ी पिएगा। वांग जी तो अब बस इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा था, एक्साइटमेंट से उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में गूज़बम्स आ रहे हैं। और फिर थोड़ी ही देर में हमारा विंग आ गया, हाथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर। वो ऐसे चल के आ रहा था जैसे कोई मॉडल आ रहा हो रैंप वॉक करते हुए। वांग जी उसे देखकर बस घूरे जा रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और उसने एक छोटा सा पैंट और वाइट कलर का टी शर्ट पहन रखा था, ढीला ढीला सा। विंग कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा था।
वेन जिस तरह चल के आ रहा था यह वांग जी को ट्रिगर्ड करने के लिए काफ़ी था। वांग जी वेन को देखकर बस मुंह खुलकर एकदम देखता ही रह गया। उतनी ही देर में हमारा वेन उसके पास आ गया और बिना कुछ कहे वांग जी को थोड़ा पीछे की ओर धक्का देकर उसके लैप में बैठ गया। वांग जी अपने चेयर पे बैठा हुआ था और अब विंग वांग जी के लैप में बैठा है एकदम ब्राइडल स्टाइल से, जैसे कि आप लोग तो समझ ही गए हैं किस तरह बैठा है। हमारा विंग पूरा प्लान करके आया है, अब वांग जी को मिलेगा पनिशमेंट विंग को बुली करने का। आप लोग तैयार हैं ना? चलिए देखते हैं हमारा विंग क्या करेगा। विंग बड़े ही प्यार से वांग जी के नेक पे अपना हाथ रखता है और कहता है, गगा मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। वांग जी ने तो उसके वर्ड्स पर ध्यान ही नहीं दिया था, अब गगा क्या, उसे गडर भी कह दो तो भी चलेगा। वांग जी तो बस विंग को तार रहा था इस तरह कि मानो अभी उसे खा जाए। वांग जी तो हड़बड़ाया हुआ था, घबराया हुआ था। बेचारे वांग जी के तो पसीने सूट रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा स्वेटी स्वेटी हो गया था विंग को इस तरह देखकर। उसे गर्मी लग रही थी यार। और फिर हमारा विंग कॉफ़ी पे फूंक दे रहा था और फिर फाइनली वांग जी के मुंह के सामने वो कॉफ़ी लेकर आया। वांग जी भी बिना कुछ सोचे कॉफ़ी पे जैसे ही एक सिप लेता है, वांग जी को ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया और उसकी जान दोनों ही टूट फूट कर ख़त्म हो गई। वांग जी क्या करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, पूरा मुंह लाल हो गया था और कान से धुआं निकल रहा था। और फिर विंग कहता है, क्या हो गया गगा, आपको कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी, निकलो, कहकर हमारा विंग वांग जी के मुंह पे हाथ रख देता है और वांग जी हड़बड़ी करके उठने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उसके लैप में बैठा हुआ था और विंग ने चालाकी करके उसे एकदम हक कर लिया। बेचारे वांग जी की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे कॉफ़ी वहीं पर अपने ऑफिस में ही थूकना पड़ा, उसके एक फाइल के ऊपर गिर गया था कॉफ़ी। और फिर वांग जी गुस्से में विंग की ओर देखता है और कहता है, तुमने कॉफ़ी में क्या मिलाया है, जहर है क्या इसमें? फिर विंग कहता है, नहीं इसमें तो बस मेरा फेवरेट चिली है, चिली का फ्लेक है और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही है और थोड़ा सा नमक है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर है और कुछ भी नहीं है, और हाँ बस थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया था, अच्छा लगा ना मसालेदार कॉफ़ी। वांग जी तो इतना चिढ़ गया था कि उसका मन कर रहा था कि विंग को पकड़ कर अपने सर पे ऊपर उठाए और वहीं से टप करके फेंक दे, पर बेचारा वांग जी ऐसा नहीं कर सकता। और फिर वांग जी नोटिस करता है कि उसके फाइल के ऊपर उसने खुद ही कॉफ़ी फेंक दिया था अपने मुंह से। और फिर वांग जी कहता है, ओह नो, 2 घंटे से बैठकर मुझे ये फाइल सेट करना पड़ा था, पूरा ख़राब हो गया, अब मैं क्या करूं? बेचारा वांग जी अपसेट हो गया था। और फिर विंग वांग जी को अपसेट देखकर कहता है, सो सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसे ये तुमने किया है, मैंने नहीं। वांग जी गुस्से में कहता है, विंग, लेकिन विंग पर ज़्यादा गुस्सा ना करके वांग जी कहता है, मेरे असिस्टेंट को बुलाओ। और फिर विंग जल्दी जल्दी उसके लैब से उठ जाता है और असिस्टेंट जो बाहर ही खड़ा था और ये सब कुछ देख रहा था वो दौड़ कर यहाँ आ गया। और फिर वांग जी कहता है, इस फाइल को ले जाओ और क्लीन कर लो और फिर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है, याद रहे ये दाग रहना नहीं चाहिए, ज़रूरत हुई तो इसका फ़ोटो कॉपी निकाल लेना और फिर दोबारा से टाइप कर लेना। और फिर वो असिस्टेंट जल्दी से फाइल लेकर गया और उसको ठीक करने लग गया। दूसरी ओर वांग जी कहता है, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी लिटिल बनी। और फिर विंग कहता है, पनिशमेंट मुझे क्यों, तुमने मुझे बुली करने का सोचा? बनी बॉय तुम भूल गए ना, अपने अल्फा को बुली नहीं कर सकता कोई। वांग जी आगे आ रहा था, बेचारा विंग पीछे जा रहा था। और फिर वांग जी कहता है, एक तो तुमने मेरा मुंह जला दिया था
और अब इतनी घटिया मसालेदार कॉफ़ी खिलाकर तुमने मेरा जीभ एकदम सरा दिया है, ऊपर से तुमने मेरा फाइल भी ख़राब करवा दिया। इतना सब कुछ करने का पनिशमेंट क्या है पता है? वांगजी बोलते हुए आगे आ रहा था और विंग घबराकर पीछे जा रहा था। इतने में ही विंग दीवार से टकरा गया और वांगजी ने उसे अपने दोनों हाथों के बीच में कैद कर लिया और अपने फेस को विंग के फेस के बहुत करीब कर लिया। दोनों एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर रहे थे, एक दूसरे के चेहरे पर उन दोनों की सांसें आ रही थी और हमारा विंग कपकपाने लगा था। उसे बहुत डर लग रहा था और पता नहीं कैसा अजीब सा घबराहट भी हो रहा था। वांगजी विंग के बहुत करीब था, बहुत ज़्यादा करीब, और फिर उसके कान के पास आकर वांगजी कहता है, आज रात मुझसे मिलने आओ, यही है तुम्हारा पनिशमेंट। विंग तो बहुत डर गया, क्या वांगजी उसके साथ डर्टी थिंग्स करने का सोच रहा है? और फिर वांगजी कहता है, ज़्यादा डर्टी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूँगा, बस मुझसे मिलने आओ। और फिर विंग हाँ में सर हिला देता है क्योंकि वांगजी ने बोल दिया है कि वो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, इसीलिए हमारा विंग हाँ कर देता है। और वांगजी एक डेविल वाली स्माइल करके विंग को चिढ़ाते हुए वापस अपने टेबल पर के पास आ जाता है और चेयर पर बैठकर अपना काम करने लग जाता है। दूसरी ओर हमारा बेचारा बनी इतना ज़्यादा डर गया था, वो वहाँ से दौड़कर भागना चाहता था, लेकिन वांगजी कहता, इस कमरे से आज तुम पूरा दिन बाहर नहीं जाओगे, मेरे सामने बैठो, वो चेयर लेकर आओ और चुपचाप मेरे सामने बैठे रहो, जब तक मैं काम कर रहा हूँ तुम मुझे ताड़ते रहोगे, अगर नहीं किया ना तो सज़ा तुम्हारी डबल हो जाएगी और मैं पुलिस भी बुला लूँगा। बेचारा विंग डर गया और चुपचाप चेयर लेकर वांगजी के सामने बैठ गया। हमारा विंग वांगजी को देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन इस धमकी की वजह से बस उसे पूरे 3 घंटे तक वांगजी को ऐसे ही देखते रहना पड़ा। वांगजी भी स्माइल करके अपना काम कर रहा था, पहली बार उसे काम करते हुए भी इतना मज़ा आ रहा था। वांगजी सोचता है कि अगर विंग रोज़ उसके सामने ऐसे ही बैठा रहे तो वो तो एक ही दिन में पूरे साल का काम कर देगा। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था, खासकर वांगजी के मुंह में वो स्माइल, वो इरिटेटिंग स्माइल देखकर तो हमारा बनी बॉय और ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। वो चुपचाप बस ऐसे ही बैठा हुआ था और सोच रहा था, यू स्टूपिड अल्फा, एक बार मौका मिलने दो, मैं तुम्हें ऐसा बुली करूँगा कि तुम अपने नानी के घर भाग जाओगे, कहकर हमारा लिटिल बनी एक स्माइल करता है। वो मन में बहुत कुछ सोच रहा था। वांगजी कहता है, इतना ज़ोर ज़ोर से मत सोचो, मैं सुन लूँगा। और फिर विंग मुंह बनाते हुए दूसरी ओर देखता है और वांगजी कहता है, ए मेरी ओर देखो, और फिर से हमारा विंग वांगजी को देखने लग गया। तो इसी के साथ हमारा आज का पार्ट यहीं पर स्टॉप होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज़। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये फैन फिक्शन कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना और एक लाइक कर देना, ओके? तो अब फाइनली बाय बाय क्यूटीज़, बाय बाय बाय।